फिल्म तानाजी देखने के बाद आया तैमूर का रिएक्शन, देखे पापा सैफ से क्या कहा। नमस्कार। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अजय देवगन की मोस्ट अवेंटेड फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर 10 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुके। इस फिल्म में उनके साथ उनकी वाइफ का जोल भी काफी सालों बाद पर्दे में साथ नजर आए। फिल्म में यहाँ अजय देवगन, तानाजी और काजोल तानाजी की पत्नी सावित्री बाई की भूमिका में है, तो वही फिल्म में सैफ अली खान उदय भान के एक किरदार में है। लंबे बाल और लंबी दाढ़ी के साथ इस फिल्म में सैफ एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। वहीं अब इस फिल्म को देखने के बाद सैफ के बेटे तैमूर अली खान का रिएक्शन भी सामने आया है, जो काफी मजेदार है। हाल ही में मीडिया से बातचीत में सैफ ने बताया कि फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर देखने के बाद तैमूर उन्हें सरदार जी बोलकर पुकारने लगे। तैमूर का ये रिएक्शन इसलिए भी जाए क्योंकि इस फिल्म में उनके पापा सैफ के बाल और दाढ़ी दोनों ही काफी लंबे हैं। फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर की कहानी की बात करें तो ये फिल्म 12वीं सदी पर आधारित की एक वीर योद्धा की गाथा को व्यक्त करती है। ओम राउत ने तानाजी द अनसंग वॉरियर से बॉलीवुड फिल्म निर्देशन में कदम रखने के साथ ही साबित कर दिया है कि वे एक अच्छी पीरियड फिल्म बना सकते हैं। फिल्म के एक एक सीन पर ओम राउत ने बारीकी से काम किया। ये फिल्म मराठाओं की शूर वीरता दिखाने में पूरी तरह कामयाब हुई है। बेशक कई बार ऐतिहासिक फिल्में, खास तौर पर युद्ध पर बनी फिल्में बोझिल और उबाऊ हो जाती है, लेकिन तानाजी देखकर आपको ऐसा नहीं लगेगा। बहुत दिनों बाद सैफ अली खान इतने बेहतरीन रोल में दिख रहे हैं, या यूं कहें कि वे बड़े पर्दे पर लंबे समय के बाद अपनी मजबूत एंट्री दर्ज करवा रहे हैं। ये उनके लिए किसी विजय से कम नहीं है।